अउ्ज़बिल्लामशीर बिस्मिल्ल रहीम, वेरी वेनरेबल व्यूअर्स वी आर गोइंग टू शेयर जनरल सेफ्टी रूल्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सम जनरल प्रिंसिपल्स फॉर सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन उसमें अहम uh, बात जो है ना वो uh, ये शामिल है कि वैन वी आर लिविंग अवर किड्स इन हाउस होम तो हमें ये इन्श्योर कर देना चाहिए कि दे हैव क्लोज द डोर्स यानी जो मेन गेट है वो क्लोज़ हो जाना चाहिए हम इन्श्योर करके उसको आए और फिर यह है कि बच्चे उससे बाहर अगर जाएंगे या उनको ऐसी आ, इजाज़त है कि वो घर से बाहर आपकी निगरानी के बगैर जा रहे हैं तो यू मस्ट अपॉइंट सम या उनकी जिम्मेदारी में वो बच्चे हों जो घर से बाहर निकलें तो बेहतर यह है कि घर के अंदर हैं और आप मौजूद नहीं हैं तो फिर कोई ना कोई एल्डर वहाँ मौजूद रहना चाहिए और उसमें कई तरह की सेफ्टी मौजूद है कि बच्चे घर में मौजूद हैं तो वो किसी एल्डर की निगरानी में हो ताकि बच्चे कोई ऐसा इकदाम ना करें जो उनके लिए साबित हो और उनको फौरी ऐसी सूरत में कोई इमदाद ना दी जा सके तो बाद ऐसा होता है कि वी आर ट्रस्टिंग द चाइल्ड लेकिन छोटे बच्चों के लिए या फिर यह है कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना कि वी आर लिविंग अलोन एंड विदाउट विजिलेंस तो इसके लिए हमें वायरल केयरफुल रहना है उसमें यह होगा कि हम भी कॉन्फिडेंट होंगे और बच्चे भी कॉन्फिडेंट होंगे द्लो द डोर्स आर क्लोज्ड या फिर यह है कि कम अज़ कम उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे दी जाए कि जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करें कि वी आर डायरेक्टेड दैट वी टू तो क्लोज द डोर एंड वी आर नॉट टू बी ओपन फॉर द अदर्स और फिर ये भी थोड़ी सी हम डायरेक्शन दे दें कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम दिनीबडी हु इज़ कमिंग फ्राम आउटसाइड कोई दरवाजा नाक करे तो उसको डायरेक्ट दरवाज़ा खोलने के बजाय पूछ लिया जाए कि इज़ और फिर आम तौर पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग जो आ, 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 अपने आपको ज़ाहिर करते हैं कि योर फादर योर मदर हैज सेंटास्ट टू कॉन्टेक्ट यू कि आप आएँ ज़रा बाहर आ जाएँ और शॉप पर आ जाएँ और इस तरह से तो हमें विजिलेंट रहना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह की इंफॉर्मेशन पे पूरे लाए नहीं करें और बच्चों को एमरजेंसी मीट करने के लिए कुछ नंबर्स याद करवा देने चाहिए जैसे फ़ोन नंबर है और इम्पोर्टेंट फोन नंबर्स Uh, अपना यानी बीइंग पेरेंट्स अदर्स को एक आध नंबर ज़रूर उसमें एक्स्ट्रा जो अदर देन पेरेंट्स हो वो उनको ज़रूर याद होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे कैन कांटेक्ट एंड दे कैन गेट एडवाइस और दे कैन गेट डायरेक्शन फॉर इट और कुछ ऐसे एमरजेंसी नंबर हैं जैसे uh, पुलिस के नंबर हैं या फायर ब्रिगेड के नंबर हैं तो वो सिंपल होते हैं और वो ज़रूर हमें बच्चों को याद करा देने चाहिए और फिर यह है कि बाज़ात ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रेंजर्स दे आर गिविंग द गिफ्ट्स तौर पर खाने पीने की चीज़ें जो ना वो शेयर कर रहे होते हैं और उससे अवॉइड करना चाहिए कि, कि किसी ऐसे स्ट्रेंजर से कोई चीज़ लेके वो आ, ना खाएं जो घर में वो तकसीम कर रहे होते हैं या फिर यह कि वो उसके तकसीम करने के दौरान वो दरवाज़ा खुलने का मौका पाकर तो वो तो अंदर दाखिल हो सकते हैं तो ऐसी सूरत में बहरल बच्चों को आगाह रखना चाहिए कि वो किसी तरह से भी किसी अजनबी जो आवाज़ उनको मानूस न लगे उस पर ट्रस्ट नहीं करें और दरवाज़ा मत खोलें और किसी खाने पीने की चीज़ को वो ना लें बच्चों में होता है दे हैव इंटरेस्ट इन एडिबल्स तो ऐसी सूरत में वी मस्ट मेक देम कॉन्शियस के वो ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से अवॉइड रहें और अपने आप को सेफ रखें और जिस तरह मैंने कहा कि जो किडनैपिंग के लिए पेरेंट्स का रेफरेंस या फिर यह है कि बड़े भाई का रेफरेंस या इस तरह की बातें करके तो वो बाहर दरवाज़ा खुला के तो इस तरह से बात कर सकते हैं तो वी टू बी विजिलेंट अबाउट इट और बच्चे बाजा खेलने के लिए रोड पर चले जाते हैं और पेरेंट्स चाहे घर में हों या घर पे ना हों तो दोनों सूरतें जो है वो बच्चों के लिए रोड पे खेलना आजकल के एनवायरनमेंट में इट्स सो सेफ वो सिटी एरिया हो या फिर ये है कि वो देहात का एरिया हो या टाउन हो कस्बा हो जो भी हो तो ये चीज़ें हैज़र्ड्स हर जगह मौजूद है ख़तरा हर जगह मौजूद है और उन खतरा को निपटने के लिए हमें भारत प्रिवेंशन मेयर्स एडाप्ट और हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है अपने बच्चों के लिए ऐसी डायरेक्शन हमें देनी है जो उनको हर तरह से सेफ रखे और प्ले के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी प्लेस जो डिज़ाइनेटेड है जो मुख्त है उसके लिए उसी में बच्चे खेलें क्योंकि उसमें फिर यह है कि अगर कोई ख़तरा हो तो उस लिहाज से उसको बिल्डअप किया जाता है पार्क है तो उसमें या फिर खेलने की जगह प्लेस है तो बे, बे, ड्राइवर्स को भी पता होता है कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं या कुछ भी हो सकता है तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ज़रूर एहतमाम करना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द केयर्स बहुत शुक्रिया साथ रहें